अभी आपने सुन लिया शंभू बागड़े साहब, प्रधान जी और डीपी शर्मा और भी साथी कलाकार, इन सब की ओर से लिखा गया, मंथन किया गया और गाया, पार्टिसिपेट किया हमारे शंभू बागड़े ने। भाई बागड़े साहब, तुम अपने आप को कहते हो कि मैं बाबर हूं, लेकिन आज जनता मालूम पड़ गई तुम हकीकत में बाबर हो, हकीकत में बावरे से नहीं गाना चाहिए, कपड़े फाड़ देता है। क्योंकि मैंने आपसे बागड़े साहब ही कहा है, लेकिन भैया मास्टर मैं तो बाबर हूं, हतु ही बाबर हूं, सही पूछिए। मैंने अपने छंद में गाया था दोस्तों, मैंने छंद में गाया था। दरोगा जी आप भी रसिया वाले हैं और गुरुदेव हमारे गंगाराम खलीफा जी बैठे हैं, आपको क्षण वंदन है मुल्ला जी। मैंने छंद में गाया था कि भगवान शंकर ने बाल उखाड़ा है, यानी कि भागीरथ के कारण। जीपी शर्मा गुरु जी सुन सब रहे हो, सब सुन रहे हो, पर सिट्टी पिट्टी गाये हुए तुम्हारी आज। मैंने कहा था तपा भागीरथ के कारण, क्योंकि गंगा की उनको लाना था और तपस्या की, तपा भागीरथ के कारण बाल उखाड़ा है, पहली कहानी। दूसरी कहानी मैंने गाई जब सती जी यज्ञ में गई और उनकी नहीं मानी, अपमानित होना पड़ा और स्वयं की देह को उन्होंने अग्नि कुंड में भस्म कर दिया, तब शंकर भगवान ने बाल उखाड़ा, वीरभद्र को पैदा किया दो बाल। जब सती की शादी होकर के आई और लक्ष्मी के यहाँ भोजन करने के लिए गई, तो लक्ष्मी ने कहा कि बहन तेरा पति कंगला है, तेरे पास कुछ नहीं है, तू जितना भंडार चाहे मुझसे ले ले। तो भगवान भोलेनाथ से पूछा उन्होंने कि स्वामी वो हमारी बहन लक्ष्मी ऐसे कर रही है कि मैं ले जाऊं कुछ? नहीं, ऐसा मत करो, अगर तुम जिद कर रही हो तो लो ये बाल, इसके बराबर आभूषण तो बलाओ। पूरा भंडार उनका तुल गया, लेकिन उस बाल का वजन सहन मतलब पूरा नहीं हुआ, तब बाल उखाड़ा। और चौथी कहानी मैंने गौजात ऋषि से गाई, तब भी बाल उखाड़ा है। अब ये क्या करो भैया, शंकर गौतम वो बहतुना है बाल, मैं राधा को उखाड़ूंगा, गपा को उखाड़ूंगा, कुल मिला के जी एक, तुम जीरो बट्टा जीरो। आचार्य जी पूरे नंबर में एक बात समझ में आई, बागड़े भाई यार कमजोर पड़ गए हो, क्या बात है तुम्हारी घरवारी है, बड़े बूढ़े की बड़ी यादें आ रही है। हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा, बाबाई के पीछे पड़ रही है, बाबाई को सब कुछ अच्छो लोगो, तुम का मर गए हो। अब के नंबर पे बाबाई को हिसाब कर दूंगा मैं। एक टुकड़ा गाया क्या, पोथी बत्ता फेर के बैठे, लोहे में जस्ता घेर के बैठे, मेरी रास्ता घेर के बैठे। गुरुदेव जी पी शर्मा जी, बस्ता फेर, जस्ता घेर और रास्ता घेर, ये चल रहे हैं। तुम शायर हो, मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूं। कहानी है कार्तिक वीर अर्जुन की और गुरु दत्तात्रेय की। और जिंजर कोने कह रहे हैं चौहान साहब, तुम पे ये टुकड़ा भी नहीं लड़ा। एक मल्हार गाई तुझो करे यादव जी, कैसे ठंडे से पर त्याई घरवारी, स्मार्टफोन है सामने ना रख रही, कान पर रख रही है, तुम रख तो रही है, तैयारी पे तो गेहूं रखी के करना है ना। मल्हार आप पे कभी एक रसिया गाया ना, उसका जवाब तुमसे हुआ। और मैंने गीत गाया मोहिनी का, के इन सब को बड़े प्रेम, एक पेड़ पे आओ गरम, हाँ गरम जाओ। गुरु जी एक सवैया गाया था मैंने, जीएम की हालत क्या होगी, डीएम की हालत क्या होगी। चलिए नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन लड़ा नहीं, एक ही सवैया गाया था मैंने तो अपनी तरफ से बस। जा रही है, इतनी हिम्मत ना है, मैं सामने ठाणो तो बहू जा रही है, एक टेलीफोन के मारे कान सत रह जाएंगे बहू के। मैंने एक दोहा दिया था गंगाराम खलीफा जी, रहे नहीं चुपचाप वो कभी ने सहज सुखा, तो वो कह रहे उतार बारे बार लेखनी तुम्हारी। जीपी शर्मा जी आप फेल हो आज बिल्कुल, हाँ फेल हो। अब देखो दोहा कैसे लग रहा है फिर से। गुरुदेव, गुरुदेव बुरा मत मानना, केवल मैं कोशिश कर रहा हूँ गुरुदेव, ये रसिया बाजी है। तो मान गए तो मेरी भैंसिया खोल लगे, मानना बुरा मानना है तो
गई और रसिया का तो हो अरे तुम्हें सही रसिया और का तो हो अब तो आप फिर लड़ रहा है गुरुजी, उधर से फिर कोशिश करता मैं चुनौती आपको दे नहीं सकता, आप बड़े हैं। के रहा अरे रहा मोए पश्चाताप बो खाड़ा किसी कारण से और इधर शंकर भगवान दे रहे हैं साफ साफ दे रहे हैं और बाल उखाड़ के कह दे रहे हैं सुनील भाई सुनिएगा अरे बुखार और एक एक दीना साप बो और दिल दयो है खूब दुखार साहब मैं तो बागड़े साहब ही कहूंगा आपसे। अरे देख रूप बदल के नारी को आयो अरे रूप बदल के और नारी को आयो तो शिव ने लख लीली चतुराई है तो शिव ने लख लीली चतुराई है और शिव ने लखलीनी चतुराई है नारी का रूप बना करके आ गया और क्यों आया अरे चरणन में मोए अरे चरणन में बानर रहनो चाहो और उनकी बन के खास लुगाई है कहानी है कश्यप वीर की। भगवान शंकर के सामने आया स्त्री का रूप धारण करके, प्रभु मैं अब तुम्हारी घरवाली बनना चाह रहा हूं। तो भगवान शंकर ने क्या किया और जे अपनो खूब रमायो समझ रही है और तुम पूरा नंबर गा गए एक एक फिट उला दूंगा भैया किर के चोट आए गई है ये चोट आए भाई पड़े हैं अरे रह बे खुद ही शिव के संग रह बे देखो शिव के संग रह बे देखो शिव के संग पालो खारा मास्टर साहब मैंने गाया था कि देखा तो लपका रह गए इन पर जवाब नहीं हुआ लेकिन ये गीत गा के गए चूड़ी जो खड़की हाथ में तो मास्टर साहब चूड़ी जो खड़की हाथ में जवाब पैर सुनो
चूड़ी जो खाने की, चूड़ी जो खाने की हाथों में, अरे चूड़ी जो खाने की हाथों में, याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में। भैया आएगो बुलाए, और पलंग ते भैया आएगो बुलाए, भैया के सामने का कर रही है, बाबा बाबा है त्यारी बा रसिया बाजी बाबाई पे डिपेंड है चौहान साहब, अगर बाबा ना हो तो एक दंगल नहीं गा सकती है, लेकिन मेरा कहना क्या है, देख अच्छी लगा तो ताली चाहूंगा, जे जम के बैटिंग कर रही है और बाबा ने तो यूं देख रही है, अरे चक्के चुआन ही चढ़ा है गए नो बाबंते से बैटिंग कर रही है। भीगी भीगी अब तो कह रही है भागड़े साहब, वो क्या कह रही है के भैया मेरो आ गयो और पिया पी हर रही में जाए, भैया मेरो आ गयो पी हर रही जाए, मैं पी हर कू रही जाए, मैं जा रही हूं क्यों, क्योंकि नन तुल मेरी आए गई ले जाई ते काम कराए। अच्छा नंदुल आए गई, हाँ नंदा आए गई है ना, ये हमारे जा रही है, वो तो जाएगी, जब नंदा आएगी तो बुरा जाएगी, हाँ गहू जाएगी, देख हाँ साहब क्या कर रही है, पिछली बार जाने देखो खूब खायो ए गुलकंद, अच्छा पिछली बार जाने खूब खायो ए गुलकंद, तुम जाई तिकाम चलाई लियो मेरी छोटी आ गई, ए मेरी मेरी नन दुल यहां पे आ गई है, मेरी मेरी ननदुल यहाँ पे आई है, मेरी ननदुल यहाँ पे आई है, मेरी ननदुल यहाँ पे आई है। कांग्रेस साहब अब तुम्हारी पत्नी कह रही है आपसे, मेरी ननदुल यहाँ पे आई है और तो कु घेवर हाजी, चौहान साहब सही बात है, मेरी ननदुल यहाँ पे आई है ले जाई ते काम कराई है, ले जाई ते काम कराई है, मैं तो जोड़ू त्यारे हाथ,
मैं तो जोड़ू त्यारे हाथ काम पूरा कर दे देवी तो जोड़ू दोनों हाथ काम पूरा कर दे अरे पार साल फुल काम करो अरे पार साल हाजी अब देखो यही तो होता है क्या नाम है बागले भाई यही तो होता है आपने गाना हमारी तो बैठी रही और तुम्हारी अब देखो तुम यहां बैठे हो अब जय तो चक्कर पर हो जब तो रुख रही ना पे काम जा रही है ए? काम सुबह और शाम करो चल काम सुबह और शाम करो खुश है के जी चली गई काम सुबह और शाम करो खुश है के जी चली गई और नहीं को ना करो ऊपर नीचे ते काम करो नहीं को ना करो ऊपर नीचे ते काम करो सबरो काम करो ऊपर ऊपर नीचे करो जाने हाँ त्यारो ऊपर को करो त्यारो नीचे को करो जाने करो है? नीचे ऊपर को काम करो करके काम वो भली गई ऊपर को काम करो करके काम वो भली भाई और तुम कह रहे हो तुम लगी रही अब महंगाई है एक बात कही का पूरो महंगो है आज के जमाने में काम है वो है तुम्हें लग रही ये महंगाई है बूरो महंगो बता रहे तुम्हें लग रही और ये हमारे आचार्य गौरव शर्मा जी अतरौली से पधारे पंडित गौरव शर्मा आचार्य तुम्हें लग रही ये महंगाई है और तुम कुंधे बर हाँ कराई दे ए तुम कुंधे बर तो मैं तो जोड़ू प्यारे हाथ काम पूरा कर दे तो जोड़ू दोनों हाथ काम पूरा कर दे तुम्हें लगी रही ये महंगाई है लग रही ये महंगाई है और तुम कुंघे बर लाई है अरे तुम कुंघे बर लाई है इसलिए मैं तो जोड़ू प्यारे हाथ काम पूरा कर देगी बाजे मास्टर साहब एक धुन बजा दो बच्चे मारू छे बाबा अब चाहे मारू थे या बाबा यारा मैंने तो हाँ कर ली आचार्य जी गौरव भैया के अब चाहे मारू थे या बाबा यारा मैंने तो हाँ कर ली मैंने हंस के हामी भर ली
के मैंने तेरी बाह पकड़ ली यारी टूटे ना टूटे ना। हाँ जी के यारी टूटे ना टूटे ना कर ली सो कर ली के अब चैन लग जाए हथ कड़िया मैंने तेरी बाह गंगाराम गुरुजी पूरे महाभारत की नींव एक ही लाइन से जम गई। आदरणीय गुरुजी आदरणीय गुरुजी द्रौपदी ने दुर्योधन से कह दिया अंधे का अंधे का अंधा। अब दुर्योधन कह रहा है मन में आजा उनकी तो कही है तो इतना काम चला ले आज बैठ जा। सही बात तो यह है कि दुर्योधन उस समय कुछ बोला नहीं केवल द्रौपदी से कहा और मन में कह रहा है के पैसे ज्ञान ने बनती पक्की फिर बातें कर रही कैसी। ऐ मुकेश ओ मुकेश के पैसे बनती ज्ञान ने पक्की फिर भी बातें कर रही कैसी। के पैसे बनती है ज्ञान ने पक्की फिर भी बातें कर रही कैसी। मोते बातें कर रही कैसी मोते बातें कर रही कैसी मन में मान ले अपने भैसी। मोते बातें कर रही कैसी दिल में मान ले अपने भैसी। के मोसे बातें कर रही कैसी अपने मान ले दिल में भैसी। के मोते बातें कर रही कैसी मन में मान ले अपने भैसी। मोकू जानी ना जानी ना अरे जानी ना जानी। और ये लाइन पे आपको आनंद चाहे तो तालियों का प्यार चाहूंगा। के फिर भी बातें कर रही कैसी मन में मान ले अपने कैसी। मेरी मानी ना मानी ना अरे मानी ना मानी। जात ना चढ़ जाएगी रब्बा पे तो तेरी कर दऊ ऐसी तैसी। जात ना चढ़ जाएगी रब्बा पे तेरी कर दऊ ऐसी तैसी। आपकी फरमाश आई है दोबारा के लिए दोबारा सुन लो। के पैसे पैसे ज्ञान ने बनती पक्की फिर बातें कर रही कैसी। पैसे ज्ञान ने बनती पक्की फिर बातें कर रही कैसी। पैसे ज्ञान ने बनती पक्की फिर भी बातें कर रही कैसी। मोटे बातें कर रही कैसी मन में मान ले अपनी भैंसी। मोटे बातें कर रही कैसी मन में मान ले अपने भैंसी। तेरी मानू ना मानू ना मानू ना मानू। जात ना चढ़ जाएगी रब्बा पे तो तेरी कर पहली कहानी मैंने कश्यप वीर की बताई। अब दूसरी सुनिए बाल का बुखारा है शंकर भगवान और ये सांप पे तुम्हारे हैं शंभू भैया।
ये सांप देने के कारण सांप के लिए बाल उखाड़े भगवान शंकर ने। अरे देख अपनी इज्जत पे अड़ो तपस्वी, अरे अपनी इज्जत पे और अड़ो तपस्वी, जाको यश चौतरफा छायो है, और जाको यश चौतरफा छायो है। अरे शिव की शरण में आए के बाने और चरण शीश नवायो है, शिव की शरण में। और ये मन में व्याकुल भारी है, तुम्हें तो शिव पुराण का बड़ा ज्ञान है, जो दुर्वासा ही कहानी गा रहे हैं, इनकी चौथी पीढ़ी पूर्व की बात है। अरे है गयो और कर कर जा पूजे ऐसे है गयो, कर जा पूजे ऐसे है गयो। एक दिन, अरे एक दिन सांप इन्हें ही दे गयो, एक दिन सांप इन्हें ही गयो बाल उखाड़ा। बाजी मास्टर साहब वो धुन बजा दो, नहीं भैया कहेंगे कि धुन भी नहीं गवी। मेरे जिगर का छल्ला, मेरे जिगर का छल्ला। इधर से एक लाइन कभी के पायल किसने दी जब उसकी पहचान हुई, ये बता रहे हैं बागले जी, सुनना। ठीक ठाक लेंटर फैन बॉक्स सेंटर छजली में कोड़न की बात कछु और है, छजली के कोड़न की, छजली के कोड़न की बात कछु और है। ठीक ठाक लेंटर फैन बॉक्स सेंटर छजली में कोड़न की बात कछु और है, छजली में कोड़न की बात कछु और है। अरे टीवीएस पो बजाज देखो तुम कल आज, गाड़ी हीरो होंडन की बात कछु और है, गाड़ी हीरो होंडन की बात कछु और है। और मोह में लेके लइयो चूस, जाए जा को पी ले जूस,
धन्नर के पौड़न की बात कछु और है। मोह में लेके लइयो जू चाय जा को पी ले जू, धन्नर के पौड़न की बात कछु और है। धन्नर के पौड़न की बात कछु और है। अब देखो तुम्हारी गई नहीं, तुम्हारी के लिए सही बैठे वो, लेकिन तक में हमारी बारी कितना गई, हमारी बारी कितने गई। गाड़ी हीरो होंडन की बात कछु और है। हालिया डग मगनार बाबा भये बेकार, नए नए नोडन की बात कछु और है। सीता को मुदरी दीनी हनुमत ने डाल कर, और हनुमान को चूड़ामणि दी सीता जी ने। तो ये पूछ रहे थे कि पैरों की पायल किसने दी। चौहान साहब बिल्कुल कोई कहानी है, जब राजा नहसु इंद्रासन पर कब्जा करना चाह रहा था तो उसकी पत्नी के पास आया, बोले वो तो दुबक गया राजा नहसु छुप गया। बुल्ला जी गुरुदेव हर कोई रसिया वाला मानता नहीं है कि मेरी बात सही है, मैं बता रहा हूं सही बात। जब राजा नहसु चला गया तो उसकी पत्नी से आकर के इंद्र ने कहा कि वो चला गया तू मुझे अपना ले। तो इंद्र से उसने कहा कि मैंने 3 महीने का वादा किया है, अगर 3 महीने में मेरे पति वापस आ जाएंगे तो मैं तुमको अपना अधिकार दे दूंगी। लेकिन तब नहसु का दूत आया, और दूत आने के बाद में उसने अपना सुहाग की एक निशानी पैरों की पायल नहसु के लिए अपने दूत के दूत को द्वारा भिजवाई। तो वो मेरी कहानी है, अगर सही कहानी हो तो आप बताना नहीं बागड़े साहब, ये हरिद्वार की जनता है, दूध का दूध और पानी का पानी सीधे मर कर देगी तुम्हारी बात का। देख बागले जी रसियाबाजी में चाहे लड़ जाए चाहे नहीं लड़ जाए, लेकिन लड़ी ना है। भोले सुर बाबा के मंदिर पर कसम खा के कह रहा हूं, मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मुझसे कोई ये कह के नेताजी आपकी चीज लड़ गई तो मैं मंच पर कह देता हूं कि लड़ गई। ये क्या है मतलब, कोई सवेरे हमारे हमें कोई 10-20-50 लाख रुपया या कोई जमीन जायदाद तो दे देगा नहीं, सही बात कहने में क्या जा रहा है, क्या बात है। राजा नहुष की देखो चर्चित कहानी है, राजा नहुष की देखो चर्चित कहानी है, राजा नहुष की देखो चर्चित कहानी है, जाकर के तुम दे देना कह रही ये रानी है। तू इतना काम कर, वो इतना काम कर, इतना काम कर, इतना काम कर, इतना काम कर, तू सेवक मेरे नाथ का तू देखो इतना काम कर। आवाज सबका बाली गुरुदेव गंगाराम खलीफा जी के अकल से बागड़े बेटा चल दो सायर सभा में तेरा लड़ाया है, अकल से
सभा में तेरा लड़ाया है और फिर भी आप कहते हो समझ में भी ना आया सोनी करता ना है पसंद सोनी करता ना है पसंद बालू एक टुकड़ा दे रहा हूं लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के जोखे से उसके बाद एक गीत बहुत सुंदर गीत आप लोगों के लिए यहां एक टुकड़ा बहुत अच्छा भैया ने एक बात और गाई एक होता है नागपोनिया एक होता है नागपोनिया होता है और एक पोनिया जाते पूरी निकाली जाते हैं पोनिया होते पोनिया गाए तो पंजाबी में जाति पोनिया होते हैं मुंडा पंजाबी होता है पोनिया पंडा पंजाबी होते हैं है? तो मैं बागड़े साहब मैं आपको बता दे रहा हूं लेकिन बजाओ लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के धोखे से हाँ जी और शंकर भगवान का धाम है और भगवान शंकर की खुली बात लाल दुपट्टा दुपट्टा ओढ़े गया रे तेरा हवा के झोंके से अरे लाल दुपट्टा ओढ़ गया रे मेरी हवा के झोंके से अरे लाल दुपट्टा ओढ़ गया रे मेरी हवा के झोंके से मुझको पियानी देख लिया धोखे से अब बात क्या है साहब क्या कोरा भोले में हुआ क्या कोरा भोले में हुआ और प्यार प्यार में मेल खेलो चो सरकार और सार पास खेल रहे गौरा जी और शंकर जी अरे नाना करते जादूगर सैया छोड़ो मेरी पैया अरे नाना करके नाना करके नाना करके ऐसे अरे नाना करके बालम है गए तुम मोती राजी गौरा जी कह रही है कपिया खेलो लेकिन भोलेनाथ मना कर रहे हैं कि मेरे पास कछु हतु ही ना है मैं कहे थे खेलो
तो गोरा जी क्या करेंगे? हाँ जी दोबारा। अरे नाना करते नाना करके बोल में है तुम मोते राजी। अरे नाना करके नाना करके ऐसे तैसे है के तुम राजी। अरे खूब चलायो चोर चली गई हाथन के बाजी। चौहान साहब गोरा जी करेंगे। तुमने खूब लगायो चोर चली गई हाथन के बाजी। तुमने खूब लगायो चोर चली गई हाथन के बाजी। तो नबाए नार बैठे हो मैं गाओ मई गोरा जी करिए ना मुंते। अरे नाना करके नाना करके ऐसे तैसे है गए तुम राजी। तुमने खूब लगायो चोर चली गई हाथर ते बाजी। न पाए नार बैठे हो न पाए नार बैठे हो बहुते नंदी को पहली बार में नंदी को दांव पर लगाया भगवान भोलेनाथ ने। तो गोरा जी कह रही है तुमने दांव पर रख दियो नंदी को तो काय की करो सवारी है। काय की करो सवारी है। अरे हार गए तुम खेल में नंदी करी न सोच बिचारी है। अरे करी न सोच बिचारी है वो तो करी न सोच। अब भोले न करिए भोले से बोली है गोरा पिया कैसे करोगे तुम दोरा। अरे शुरुआत में हार तुम्हारे सीसन पे गाजी। अरे नाना करते फिर भी तुम मुझते हैं गए राजी। नबाए नार बैठे हो बहुते हार बैठे। जो हम साहब जैसा भी